चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है इसके अंतर्गत आज आप देखने वाले हैं 16 अक्टूबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और ये सीरीज आपके बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहां से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो नो डाउट आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। प्रश्न था कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में बिहार के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका राइट आंसर हमने आपको बताया था कि बिहार के 22 वैज्ञानिक इसमें शामिल है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, करंट अफेयर्स का नोट्स कहाँ से मिलेगा या फिर टेस्ट सीरीज हम कहाँ से ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे जितने भी स्टडी मेटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं वो सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। रिसेंटली 17वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर एक कोर्स लॉन्च हुआ है। आप इस कोर्स को, जो बैनर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ऑफर है। ऑफर का लाभ लेने के लिए जो प्रोमो कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं BM800, इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आसानी से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और, जो कोर्स में मिलने वाली चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको इसमें मिलेगी। अच्छा, कोई शिकायत हो, कोई समाधान हो इस कोर्स से संबंधित, तो हमें हेल्पलाइन नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है। पहले हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है इसमें बिहार का पूर्णिया जिला अव्वल रहा है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के प्रमंडल और बिहार के जिलों की। बहुत सारे लोग यहां से कंफ्यूज करते हैं। दरअसल वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार को 9 प्रमंडल यानी कि 9 डिवीजन में बांटा गया है और जो जिलों की संख्या वो है 38, 9 प्रमंडल और 38 जिले। और इन 38 जिलों में से अगर हम बात करें आकांक्षी जिलों की, आप ध्यान रखेंगे इस समय 38 जिलों में से 13 जिले जो है बिहार के वो आकांक्षी जिलों की श्रेणी में है। और इनमें 13 जिलों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इनमें अररिया, बांका, औरंगाबाद, बेगूसराय, उसके बाद गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी इसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा, तो ये पूर्णिया रहा। लेकिन यही प्रश्न में अगर थोड़ा चेंजेज कर दिया जाता कि सबसे पीछे कौन रहा, यानी कि जो पायदान है इसमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो सीतामढ़ी इस मामले में सबसे अंतिम स्थान पर रहा। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई कि बिहार के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में पूर्णिया तो अव्वल रहा, लेकिन इस मामले में सीतामढ़ी सबसे पीछे रहा। तो ये आपको नोट करना है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं बिहार के जिलों की और प्रमंडलों की। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बिहार के प्रमंडल और जिलों के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। आप सभी को हमने बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है वर्तमान समय, यानी कि बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है और इसी के अंतर्गत जो जिलों की संख्या वह है 38। अच्छा, इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था, पूसा को मंभा दंपति, ये हम प्रमंडल की बात कर रहे हैं। तो पूसे पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर, दस दरभंगा, पो से पटना, मौ से मगध, ती से तिरहुत। तो कुल मिला के 9 प्रमंडल को याद रखने का ये ट्रिक है। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे, आसान सा ट्रिक है, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो ये तमाम जो प्रमंडल के नाम है 9 प्रमंडल वो आप आसानी से ध्यान रखेंगे। लेकिन वहां पे जिलों की अगर हम बात करें, जो 38 जिले हैं वर्तमान में, इस पर एक कंफ्यूजन की अगर हम बात करें, जो छात्रों को मूल रूप से देखा जाता है कंफ्यूजन होता है वैशाली और कह सकते हैं हाजीपुर को लेकर। दरअसल बिहार में जो एक जिला है वैशाली, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हाजीपुर को भी जिला बोल देते हैं। एक्चुअली में जो वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है वो है कह सकते हैं हाजीपुर। बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं बल्कि वैशाली जिला है। उसी प्रकार से एक और है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रोहतास। रोहतास और सासाराम को लेकर कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली में रोहतास जिला है, सासाराम कोई जिला नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक है आरा और भोजपुर। आरा जिला जो एक गाना में बताया गया पवन सिंह के द्वारा कि आरा जिला हर बात है कौन बात के डर पर, एक्चुअली में बिहार में भोजपुरी हमारी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसलिए अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो एक्चुअली बिहार में आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला के अंतर्गत ही ये आरा था। आप यहाँ पर देख लीजिए भोजपुर कहाँ पर है,
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भोजपुर। भोजपुर जो जिला है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और पटना प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो पटना है। तो इस प्रकार से चीजों को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन का शिकार आपको नहीं होना। तो ये तो रही बात यहाँ पर जिलों की। अच्छा, यहाँ पर पूर्णिया की बात हो रही है तो पूर्णिया के बारे में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको ध्यान से समझना है। ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट, जो कि अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट है, ये बिहार के पूर्णिया जिले के परौरा में स्थापित किया गया है। इसको लेकर जानकारी हमने 2022 में आपको दिया था जब इसका उद्घाटन हुआ था, वो तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि पूर्णिया जिले के परौना में ही भारत का पहला अनाज आधारित, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनाज आधारित एथनॉल प्लांट है, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो पूर्णिया जिले में एक स्थान है परौना, जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी लागत की बात करें, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था और इसकी क्षमता जो है वो है 65,000 लीटर प्रतिदिन की। यहाँ पर जो क्षमता लिखा गया वो प्रतिदिन के अनुसार ही लिखा जाता है। तो प्रतिदिन यहाँ पर जो एथेनॉल के उत्पादन की क्षमता वो 65,000 लीटर की है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है अपना बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात पुनः मैं आपको दोहरा दूं, कल भी हमने आपको बताया था, जो छात्र आगामी बीपीएससी सहित बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में लगे हैं तो एक फ्रेश कॉपी करेंट अफेयर्स को लेकर जरूर तैयार कीजिएगा। हम चीजें आपको विस्तार पूर्वक देंगे। नो डाउट यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन को बरकरार रखेंगे तो दूसरे सोर्स पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तो यहाँ पर आप चीजों को सीख ही रहे हैं, कॉपी तैयार करने में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम नजदीक होता है तो सारा कंटेंट जब आपके पास रहेगा तो रिवीजन आपके लिए आसान होगा, क्योंकि उस समय जो चीजें आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन अगर आप दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जो चीजें आपने पहले पढ़ा तो रिकॉल होता है और वो याद हो जाता है और एग्जाम में आप बेहतर तरीके से उसे एक्सप्रेस करके आ पाते हैं। क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन रिविजन नहीं करते हैं, जिस वजह से स्कोर उनका कम होता है। वजह यह होता है कि रिविजन भी बहुत जरूरी है, तो इस लिहाज से आपको कॉपी जरूर तैयार करना है। ऐसे तो आपको पीडीएफ भी मिल रहा है एप्लीकेशन पे, आप चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ है जहां बिहार को 2 पदक हासिल हुआ। देखिए, यहां पर प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं। प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 कहां आयोजित हुआ है जहां पर बिहार को 2 पदक हासिल हुआ। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ और बिहार को जो यहाँ पर पदक मिला है ये 2 कांस्य पदक बिहार को मिला है। कितने पदक? 2 कांस्य पदक। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 67वां राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता 2023 जो कि अंडर 14 और अंडर 17 बालक और बालिका कुश्ती खेल प्रतियोगिता 3 से 7 अक्टूबर तक शमशाबाद जिला, जो कि आपको ध्यान रखना है विदिशा मध्य प्रदेश। शमशाबाद एक स्थान का नाम है और जो मध्य प्रदेश का जो जिला है वो विदिशा जिला, यहीं पर अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ था 3 से 7 अक्टूबर तक और इस प्रतियोगिता में बिहार को 2 मेडल प्राप्त हुआ। अगर हम मेडल इस पदक की बात करें तो 2 कांस्य पदक था। उसी की जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 17 बालिका वर्ग में पहलवान माही कुमारी ने 43 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि इसके अतिरिक्त अंडर 17 बालक वर्ग में पहलवान हरिशंकर कुमार ने भी, आपको ध्यान रखना है, 62 किलोग्राम वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता की बात करें जो भी हाल ही में विदिशा जिला मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, यहाँ पर बिहार को 2 पदक मिला, 2 कांस्य जीता, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए निम्न में से किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। देखिए, प्रत्येक वर्ष इस तरह की मतलब घोषणा होती है आईसीसी की तरफ से, प्रत्येक मंथ में, वर्ष में नहीं बल्कि प्रत्येक मंथ में, और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये भी आप ध्यान रखिए, जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत जो हुई थी पुरुष और महिला वर्ग में दिए जाने को लेकर आईसीसी की तरफ से, वो वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी इस पहल की। तो सितंबर महीने के लिए जो भी घोषणा हुई है आपको ध्यान रखना, हमने यहाँ पूछा है पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुभमन गिल, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने सितंबर 2022 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की घोषणा की और इसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष वर्ग में सितंबर महीने के लिए भारत के शुभमन गिल, जबकि महिला वर्ग की बात करें तो चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका की है, महिला वर्ग में इन्हें चुना गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक जानकारी और है। अच्छा, यही बात यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पहल की, ये वर्ष 2021 में हुई थी। 21 से पहले इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं होती थी आईसीसी की तरफ से। 2021 में इस तरह की पहल अपनाई गई। अच्छा, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पर बात हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोग चीजों को देख लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की पुरुष और महिला वर्ग में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां बात करें यहाँ पर जनवरी 2023 की, तो जनवरी 2023 में शुभमन गिल को चुना गया था और ग्रेस स्टीवंस जो कि इंग्लैंड की, इन्हें चुना गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला कैटेगरी में। तो जनवरी के बाद अभी हाल ही में सितंबर को पुनः से, ये 2023 में दूसरी बार है जब भारत के शुभमन गिल को आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये पूरा का पूरा चार्ट है, ध्यान रखिएगा, अगस्त महीने में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक सुधार करेंगे, यहाँ पर जो फकर जमान लिखा गया मैं आपको पीडीएफ में सुधार करके दे दूंगा, यहाँ पे फकर जमान नहीं होगा। अगस्त महीने में बाबर आजम को चुना गया था। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर है जो कि आईसीसी वनडे रैंकिंग नंबर वन है, जो कि बैटिंग बल्लेबाजी में, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर अगस्त वाला आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे बाबर आजम होगा। लेकिन हम सितंबर की बात कर रहे हैं, तो सितंबर में शुभमन गिल भारत के और चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका के, इन्हें पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः चुना गया। ठीक है। अच्छा, आईसीसी की जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी यहाँ पर है। जैसे हम इसकी स्थापना की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। इसको लेकर कुछ चीजें हैं कि आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में, उस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। पुनः से इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1965 में, तो इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर इसे किया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। कब? तो 1965 में। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत इसका सदस्य कब बना। हालांकि वर्तमान में आईसीसी में 108 सदस्य देश हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज 1926 में, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1900 में इसमें शामिल हुआ था एक सदस्य के रूप में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डीप में थोड़ा नॉलेज है। आपको इस तरह से अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है पूछे जाने का, तो इन सर्चों को आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अच्छा, आईसीसी के इतिहास में 2019 में एक घटना घटी, जब 2019 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित कर दिया। ये पहली बार था जब अपने सदस्य को, 108 सदस्य में से एक सदस्य को, पहली बार जो पूर्ण सदस्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 108 सदस्य में कुछ एसोसिएट सदस्य भी हैं, लेकिन अगर हम पूर्ण सदस्य की बात करें तो पूर्ण सदस्य में आपको ध्यान रखना है, तो जब आईसीसी ने अपने एक पूर्ण सदस्य जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित कर दिया था, ये पहली बार ऐसा हुआ था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, आईसीसी के जो वर्तमान सदस्य हैं, 108 देश इसके सदस्य हैं, इसका जो मुख्यालय है यह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अच्छा, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो आईसीसी, आईसीसी के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, पुनः से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न क्रिकेट से ही संबंधित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हमें यहाँ पर इसे शामिल करना पड़ा। ये प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की पहचान करना है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनेंगे अब, तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न बने तो सारे विकल्प को देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पे असत्य है, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा गया कौन सा असत्य है, तो विकल्पों को हम ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपके समक्ष है कि इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है, जो भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है, ये इसका 13वां संस्करण है, ये हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो भारत दो बार विश्व कप का खिताब जीता, बिल्कुल ये भी सत्य है, पहली बार 1983 में, दूसरी बार 2011 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो विकल्प है, 2003 के बाद से विश्व कप में भारत न्यूजीलैंड को कभी नहीं हरा पाया है, ये भी कथन यहां पर बिल्कुल सत्य है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ने चार बार विश्व कप का खिताब जीता, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो चार बार नहीं बल्कि 5 बार जीता है, ये यहां से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इनसे संबंधित चीजों के बारे में ध्यान पूर्वक हम चीजों को देख लेते हैं कि वर्ष 1992 के बाद से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, इस मुकाबलों की हम बात करें तो कुल 8 बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में, वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई है भारत और पाकिस्तान, तो एक भी बार इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया है।
तो भारत का जो पलड़ा है वो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें वो कहीं अधिक भारी है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में, ये इसका 13वां संस्करण है। मेजबान देश की बात करें तो मेजबान इसका भारत, और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है, और आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023, ये इसकी मेजबानी से संबंधित है जो 2023 में जो 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है। अच्छा एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि भारत चौथी बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2011 में इसकी मेजबानी किया था, और उससे पहले भी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया था, लेकिन संयुक्त तौर पर एक बार तो भारत ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त तौर पर, और दूसरी बार भारत श्रीलंका और पाकिस्तान ने इसकी मेजबानी किया था। लेकिन अगर हम बात करें भारत ने अपने दम पर 2 बार मेजबानी किया, 2011 में और अभी हाल ही में 2023 में कर रहा है। अच्छा आईसीसी एक दूसरी क्रिकेट विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप था उसके बारे में चीजों पर नजर डालते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था 2019 में, ये इसका 12वां संस्करण था, और पहली बार जो क्रिकेट का जो जन्मदाता वो इंग्लैंड है, और पहली बार 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। उस समय एक घटना घटी थी, ध्यान रखिएगा, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला गया वो एकदम से कह सकते हैं टाई हो गया, यानी कि स्कोर दोनों का बराबर रहा। जब सुपर ओवर हुआ एक ओवर का, तो सुपर ओवर भी बराबरी का रहा, टाई हो गया, तो उसके बाद बाउंड्री के आधार पर यह फैसला हुआ और इसका जो विजेता था वो इंग्लैंड को घोषित किया गया। हालांकि जो अब नियम है इसको लेकर के वो अब बदल चुके हैं, अब जितनी बार भी मैच टाई होगा चाहे वो सुपर ओवर ही क्यों ना, उतनी बार फिर वो मतलब सुपर ओवर किया जाएगा अगर टाई होता है तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर भारत के दृष्टिकोण से जो हम देख रहे थे 1983 और 2011 में, इससे पहले भारत ने आईसीसी एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता कुल 2 बार। तो 1983 में जो कप्तान थे वो थे कपिल देव, और 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अब यहाँ पर, अच्छा इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए इस वर्ष 2023 में भारत की मेजबानी में 13वां एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित हो रहा है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। भारत ने 1987, 1996 और 2011 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। इससे पहले 1987 में जब मेजबानी हुई थी भारत और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त तौर पर, 1996 में श्रीलंका भी इसमें शामिल था, उसके बाद 2011 में भारत ने किया, और 2023 में फिर भारत ने इसकी मेजबानी में मतलब ये आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एशिया कप की चर्चा, ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया, पुनः यहाँ पर रिवीजन पर्पस से हमने शामिल किया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए इसको पढ़ सकते हैं। 8वीं बार एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आईपीएल के 16वें संस्करण से संबंधित ये तथ्य है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है विमेंस प्रीमियर लीग, जो इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था 2023 में, यहां से भी प्रश्न बनना स्वाभाविक है। ओवरऑल यहां पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, पुरुष टी20 विश्व कप दोनों 8वां संस्करण, इसको भी आपको ध्यान रखना। ये सारी जानकारी हमने सम्मिलित तौर पर आपको दिया है, यहां से आपको भरपूर हेल्प होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो वहां पर आपके प्रश्न यहां से बन सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पेरिस में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित हुआ है। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह है फ्रांस, विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी देते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो 9 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक इटली और फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर हैं। आपको ध्यान रखना इन दो देशों की यात्रा के दौरान पहले चरण में वे इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिशेटो से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण की हम बात करें तो फिर वे पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में भाग लिया। ये यहां से ध्यान रखें, जो वार्ता अभी हाल ही में हुई है तो किन दो देशों के बीच, तो भारत और फ्रांस के बीच, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा फ्रांस की यहाँ पर चर्चा हुई तो एक जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था कि हाल ही में भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव मतलब इसे सेलिब्रेट किया, उत्सव मनाया। ये यहां से आप ध्यान रखें 25 वर्ष इसका पूरा हुआ है दोनों देशों के मध्य रणनीतिक साझेदारी का, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया। अच्छा चूंकि यहाँ पर फ्रांस की बात हुई तो एक जानकारी और भी है जो द्विपक्षीय अभ्यास वरुण है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने में सितंबर 2023 में ये दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य ये द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया था। हालांकि यह इसका दूसरा चरण था, इसका जो पहला चरण था वरुण 2023 का, ये 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। अच्छा एक सवाल यहाँ पर यह उठ सकता है कि वरुण जो अभ्यास है द्विपक्षीय अभ्यास, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1993 में। इसे वरुण अभ्यास कब नाम दिया गया, तो 2001 में। ये यहां से ध्यान रखें, तमाम चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है।
अच्छा यहाँ पर देखिए, जो हम द्विपक्षीय अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो भारत और अन्य देशों के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होता है वो कंप्लीट चार्ट है, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं और यहीं से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संप्रीति, मित्र शक्ति, मैत्री व्यायाम, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास, नोवेडिक एलिफेंट, गरुड़ शक्ति, शक्ति अभ्यास, धर्म गार्जन, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड और सिम्बैक्स, ये सभी वैसे युद्धाभ्यास हैं जो कि भारत और अन्य देशों के बीच आयोजित होता है। यहाँ से प्रश्न बने हैं और आने वाले समय में यहाँ से बनेंगे। चलिए छठे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एक्टर को एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि विजय वर्मा। आपको ध्यान रखना कि एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से विजय वर्मा को उनकी फिल्म दहाड़ के लिए सम्मानित किया गया है। उनकी एक फिल्म है दहाड़, जिनमें उन्होंने सीरियल किलर का रोल निभाया है, उनकी जो भूमिका है वो निभाई है। इस फिल्म में इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कहां पर? तो एशियाई अकादमी क्रिएटिव अवार्ड्स में। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इस फिल्म के निदेशक के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके निदेशक है रीमा कागती और रोचिका ओबरॉय, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है। अच्छा फिल्म पुरस्कारों की बात हुई है, आपको ध्यान रखना 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड की अगर हम बात करें जो कि हाल ही में वितरित हुआ, तो इसमें आपको ध्यान रखना पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। हालांकि इसके अतिरिक्त डिटेल जानकारी हमने विभिन्न जो कह सकते हैं फिल्म पुरस्कार है उसको लेकर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें आईफा अवार्ड की, यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की, तो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो तमाम जानकारी यहां पर दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो दृश्यम 2 को मिला था। अगले पॉइंट में हम बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 के विजेताओं की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला था। उसके बाद यहाँ पर इसी कैटेगरी में जो फीचर फिल्म है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अगला यहाँ पर हमारा है 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको दी गई है। ये रिसेंटली जो भी फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित है उसके बारे में, और यहाँ पर बिहार के संदर्भ में ये पहला संस्करण है भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड का, जो कि 2023 में आपको ध्यान रखना आयोजित हुआ। इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला वो दिनेश लाल यादव को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब मिला वो पाखी हेंगड़े को मिला। अच्छा ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मान लीजिए नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से ये ध्यान रखिए बिहार में भोजपुरी बोली जाती है मूल रूप से, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। ये थोड़ा ही समय आपको लगेगा याद रखने में, अगर आप याद रखेंगे कम से कम 2-3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का, उसके बाद सिंगर ऑफ द ईयर का, उसके बाद अचीवमेंट अवार्ड जो मिला मनोज तिवारी को, और बेस्ट भोजपुरी फिल्म का, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अंतिम वाला है भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर, ये शारदा सिन्हा को मिला। ये कुछ 3-4 पॉइंट है, ये याद रखिएगा काम आपका हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस तमिल लेखिका को उनकी आत्मकथा सूर्य वंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सुश्री शिव शंकरी को उनकी जो आत्मकथा है ये, इनका नाम है सूर्य वंशम, इसके लिए भी हाल ही में ये 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, ध्यान से सारे विषयों को आपको देखना है। दरअसल अगर हम बात करें इस साहित्यिक सम्मान की, तो वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह सम्मान भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है, भारतीय नागरिक को यह दिया जाता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। अच्छा इसमें अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो 32वां सम्मान दिया गया सरस्वती सम्मान, आप नोट करेंगे कि सुश्री शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्य वंशम के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम इनकी आत्मकथा की बात करें, इनकी जो आत्मकथा लिखी गई है इसमें किस विषय पर चर्चा किया गया? दरअसल किसी की आत्मकथा जो होती है उनके जीवन की मतलब की घटनाओं का उसमें वर्णन होता है, तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के 1.5 वर्ष से यानी कि 1.5 ईयर से प्रारंभ होकर 78 वर्ष तक का जो जीवन काल उनका रहा उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। तो ये तो रही बात यहाँ पर 32वां सरस्वती सम्मान की। हालांकि के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में 3 साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा हुई थी, एक व्यास सम्मान, एक बिहारी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान।
वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सरस्वती सम्मान की बात हुई है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि पहला सरस्वती सम्मान किन्हें मिला था, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी जो रचना थी चार खंडों की आत्मकथा के लिए उन्हें दिया गया था। नोट कीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन को ये पहला सरस्वती सम्मान मिला था वर्ष 1991 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना 1995 में सरस्वती सम्मान पाने वाली प्रथम महिला मलयालम कवित्री जिनका नाम है बालामणि अम्मा, जो कि काव्य संग्रह निवेदिम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। चलिए अब यहाँ पर जो केके बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित हम साहित्यिक सम्मान की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो तीन सम्मान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है सरस्वती सम्मान, एक है व्यास सम्मान और एक है बिहारी पुरस्कार। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे 32वां सरस्वती सम्मान जो मिला ये पुस्तक सूर्यवंशम के लिए तमिल लेखिका सुश्री शिवशंकरी को दिया गया, जबकि 32वें व्यास सम्मान की हम बात करें तो प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए सम्मान दिया गया, और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी कृति पंचरंग चोला पहर सखी रिगिर दिया गया, एक आलोचना कृति है जिसके लिए अभी हाल ही में इन्हें डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। तो ये तमाम चीजें ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार के बारे में है, यहां से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये है यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ये जो जुर्माना लगाया गया 5.39 करोड़ रुपए का, तो नो योर कस्टमर जो एक प्रकार की सर्विस होती है, जो कह सकते हैं KYC जो होती है, इसके नियमों में जो एक प्रकार कह सकते हैं जो इसका जो प्रावधान है उसका अनुपालन नहीं हुआ, उसका उल्लंघन हुआ, जिस वजह से ये जुर्माना लगाया गया। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है RBI ने जुर्माना लगाया है, तो RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 24वें गवर्नर उर्जित पटेल की जगह पर है। अच्छा, यहाँ पर शक्तिकांत दास की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बता दूं। दरअसल आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जून 2023 में शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना गया था, ये आप नोट करेंगे, कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था। अच्छा, ये दूसरी बार था जब किसी RBI के गवर्नर को ये कह सकते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया था। पहली बार 2015 में रघुराम राजन को चुना गया था, आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के अंतर्गत बैंक ऑफ द ईयर जो चुना गया यूक्रेन के नेशनल बैंक को चुना गया, ये भी आपको ध्यान होगा। चलिए नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2023 में लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आपको ध्यान रखना है मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन हरियाणा भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लॉरियस की तरफ से अभी हाल ही में एम्बेसडर नामित किया गया है, साथ ही वे लॉरियस एम्बेसडर नामित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए। पहले भारतीय 2017 में कौन थे, युवराज सिंह, जो कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। नोट कीजिएगा ये उपलब्धि हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा के बारे में कई सारी उपलब्धियां के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो तमाम चीजों को हमने एक ही जगह सम्मिलित कर दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पूछे जाने योग्य है। 2023 की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, 2023 में तीन प्रतियोगिता के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, एक तो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट में आयोजित हुआ 2023 में, इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया 88.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया 85.71 मीटर के थ्रो के साथ, और वहीं पे बात करें लुसाने डायमंड लीग 2023 की तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो था वो 87.66 मीटर का था। ये चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है नीरज चोपड़ा से संबंधित, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अच्छा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे टीम के द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट होती है, आप लोग वहां से चीजों को देख सकते हैं, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर चीजें आपको बेहतर तरीके से भी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाल ही में 4200 करोड़ रुपये की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि उत्तराखंड, विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जिक्र यहाँ पर किया गया कि हाल ही में 12 अक्टूबर 2023 को भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जो विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी कुल 4200 करोड़ रुपए से अधिक की, तो इसके तहत क्या क्या चीजें विकसित की जाएगी यहाँ पर लिखा गया है, ग्रामीण विकास,
सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों के लिए अभी हाल ही में लगभग 4200 करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास अभी हाल ही में या फिर इसकी आधारशिला रखी गई। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं, जो भी नोट्स यहाँ पर है, ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, बीपीएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। यही वो कोर्स है जो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें वहां पर आपको मिलेगी। इसी कोर्स में आपका करेंट अफेयर्स वगैरह भी शामिल है, चीजें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, प्रोमो कोड लगा के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि गीतांजलि राव। गीतांजलि राव इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया। हाल ही में भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल वाले वीडियो हमने आपको जानकारी दिया था कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में उन्हें अपने समुदायों में बदलाव के नेतृत्व करने के लिए और उज्जवल भविष्य को आकार देने के प्रयासों को लेकर सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो गीतांजलि राव, जो कि अभी हाल ही में जिल बाइडेन ने इन्हें सम्मानित किया है। अब यहाँ पर एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे, हालांकि कुल मिलाकर 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो इसके अतिरिक्त 14 अन्य महिलाएं थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि नवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, जो कि P20 के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर में किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में G20 सदस्य देशों के संसदों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक, जिसे P20 के रूप में जाना जाता है, ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन की बात करें तो 13 से 14 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में। ये वही यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है जिसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, आपको याद होगा, इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाया था। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर कि इस समिट में लैंगिक समानता और सार्वजनिक डिजिटल कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, इसी विषय पर ये आधारित था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। 12 प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे, सारी जानकारी जितनी भी संभव हो सकती थी, जो पॉसिबिलिटी थी एग्जाम में जहां से प्रश्न बनने की, वो तमाम चीजें यहाँ पर हमने आपको बताया। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि चीन के हांगझो में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? इसकी जानकारी आपको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने आपको कोर्स से संबंधित दिया, आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए। इसमें एक ऑफर है, प्रोमो कोड BM@100 का प्रयोग करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इससे संबंधित कोई शिकायत हो किसी को, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 82-289-47-923। कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी और भी है, जो हमारे पुराने छात्र हैं उनके लिए एडिशनल कुछ और डिस्काउंट है 20% का। आप इस नंबर पे हमें कॉल करके ऑफर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।